जो हमारे पास पेपर सही है, मेरे पास दो तरीके के पेपर है, एक ऐसा वाला और एक ऐसा वाला। ऐसे वाले से जो हमारे पास ग्लिटर वाला है, अगर किसी के पास है तो उससे क्या करेंगे हम, सिर्फ आईज के लिए जो मास्क बनता है हम वो वाला बनाएंगे। और जो हमारे पास ये A4 साइज की जो शीट है, इससे हम कैसा बनाएंगे पूरे फेस का। तो ये जो शीट जिसके पास है वो क्या करेंगे, सबसे पहले एक ओवल कर लेंगे तैयार। ओवल कैसे तैयार कर रहे हैं, पेंसिल को ओवल कैसे कि गोला बनाना है और किस टाइप का बनाना है, सब गोला बनाना है और किस टाइप से बनाना है, इस टाइप से बनाना है, ओवल टाइप से। तो आपको मुझे, मैं बोर्ड पर बताती हूँ। अपने पेज पर हम पूरा एक ओवल बनाएंगे। ओवल दिख रहा है इस टाइप का ही, पूरा पूरा इस टाइप का है ना, ना तो ये गोला है जैसे अंडा होता है ना। हाँ, जैसे हमारे फेस की जो शेप होती है वो ऐसी ही होती है अंडे आकार में। तो हम वो शेप लेंगे पहले, ये प्रॉपर जैसे भी आ रही है तुम लोग बिल्कुल सीख जाना ओवल करते, ठीक है। ऐसे पेंसिल से कर दो, हाँ पेंसिल से ऐसे ही एक ओवल बना लेंगे। बनाओ, ओवल बनाएंगे जिससे हमारे फेस की शेप आ जाएगी, जो कि आईज की शेप आती है। जिस किसी को ऐसा वाला बनाना है वो ऐसा वाला बना लेना, और जिस किसी को आईज वाला बनाना है जैसे चश्मा होता है ना, चश्मे वाली शेप बनानी ऐसी, तो वो पेंसिल से ऐसी बना लो अपने पेज के ऊपर। अंदर आईज खोलेंगे, छोटा छोटा अंदर के भाग को कट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं ये दूसरा वाला बता रही हूँ, बैठ जाओ, पीछे वाला को देखिएगा। जिसको ये वाली शेप चाहिए वो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ताकि जब हम इसमें होल करेंगे तो हमारा ये इस तरह से मास्क बनाने के लिए सही रहे, ठीक है। तो इसे आईज के लिए जगह बनाएंगे अपने ही पेंसिल से, सिर्फ दो जगह बनाएंगे आईज के लिए, उसको हम कट करेंगे। और जैसे हमने वहां उस वाले मास्क में बनाया था, ऐसे ही इस वाले मास्क में बनाना है, आईज के लिए जगह करनी है। करो, और यहाँ पीछे क्या है, लास्टिक स्टेपल करके इसमें पास से निकालूंगा। एक भाग डालेंगे यहाँ पे और ये मास्क तैयार है, इतना बहुत। अभी जिन बच्चों ने ये वाला मास्क निकाला था, बीच में उसकी आईज कट कर लेंगे। आईज जो मैंने बोर्ड पे भी बनाई बताई हुई है, कट करो उनको। पहले पेपर को फोल्ड करेंगे, फिर इसका ऐसा भाग करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। अब कट करेंगे तो एक सा आएगा, आईज जो आएंगी ना एक सी आएंगी। अगर इस टाइप की बेल है तो इस टाइप की बेल अपने मास्क के ऊपर इस तरह से चिपकाओ। किस किस के पास है ये? और अगर सितारे हैं तो मास्क के पूरे फेस पे फेविकॉल लगाएंगे, पूरे फेस पे, क्योंकि हमने आईज की तो जगह कर दी। और पूरे फेस पे क्या लगाएंगे, फेविकॉल लगाएंगे और ऊपर से सितारे डालेंगे।
और उसके लिए पहले चौकोर वाली जगह इसको कट कर लेंगे। सबकी समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. क्या किया सबसे पहले हमने ओवल की शेप की, उसके बाद क्या किया आईज के लिए हमने जगह निकाली, फिर क्या करेंगे हम ओवल को निकाल लेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना तीन बातें समझ में आ गई। आईज निकाली और ओवल को अलग निकाल लिया, इतना समझ में आ गया। एयर वाली मशीन से साइड में हम होल कर लेंगे। होल किस लिए करते हैं? क्योंकि इसमें हम किसी से हम इसको बांधेंगे तभी तो हमारे फेस पे आएगा। इस तरह से सांस हम आराम से नीचे से भी ले सकते हैं, इसमें से नोज निकालने की जरूरत नहीं है। आराम से हमें यहाँ से हवा आ रही है, सांस आ रही है, सब आ रहा है। ठीक है, सिर्फ हमें आईज हमने खोल ली थी, वो हमने खोल दी। ब्लैक और ये पूरे के ऊपर लगा देंगे। और हमें शेर बनाना है या हमें खरगोश बनाना है या हमें कुछ और बनाना है तो क्या करेंगे हम? तो हम फेविकॉल नहीं लगाएंगे, फिर हम उस जगह पे क्या बनाएंगे, शेर की या मूछे लगा देंगे। देखो इसमें भी चाहें तो हम, ये तो ये वाला कलर है, दूसरे कलर की या फिर इस बेल की डिटेलिंग कर सकते हैं इस तरह। या फिर इसके ऊपर इसके जैसे कान होते हैं ना, दो हो गए। ठीक है, जब ये सूख जाएंगे ये तुम्हारा है, ये उसका है, तब ये
इसमें धागे लग जाएंगे, धागे सब में इकट्ठे एक साथ बाद में लगवाएंगे, ठीक है।